जिले के गांवा प्रखंड के मालडा बाजार में बिजली की कटौती से परेशान ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क जाम के कारण उक्त स्थल पर करीब 4 घंटों तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बाधित रहा, जिसके कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2 दिनों से गिरिडीह में लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। ऐसे में लगातार बिजली की कटौती से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कई बार बिजली विभाग को शिकायत करने के बावजूद बिजली की कटौती बरकरार है, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। इधर सड़क जाम की जानकारी मिलने के बाद गांवा थाना की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस के समझाने पर शुरू में तो ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाने से मना कर दिया, लेकिन बाद में गांवा थाना प्रभारी, गांवा सीओ और बिजली विभाग के कर्मियों के पहुंचने और आश्वासन देने के बाद सड़क जाम को हटाया गया।